देते हैं। तो एक्चुअली सोल में, जैसे कि ये टर्म फॉर्म किया गया है सोल और मेट, सो क्या होता है व्हेन वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम। अच्छा, कितने लोग हिंदी में ही कंफर्टेबल है, कितने लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में कंफर्टेबल, ये बता दीजिए। हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों ठीक है, ठीक है, ओके। सो क्या होता है, सोल मेट में ही सोल वर्ड छुपा हुआ है, वो मेट जो आपकी सोल की जर्नी में शामिल है, जो आपके सोल का जो पर्पस है, जो आप लेके आए हो इस धरती पे, उसके साथ जो आपको एनलाइटेड करे, जो आप उसमें कंट्रीब्यूट करे, वो आपका सोलमेट होता है। पर सोलमेट बहुत तरीके के होते हैं, एक तरह का सोलमेट नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने टाइप के सोलमेट्स होते हैं। तो पहला सोलमेट तो वो होता है जिससे आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपके सोलमेट है, क्योंकि किसी ना किसी बर्थ टाइम में वो आपसे मिले हैं या आपके साथ उनकी शादी हुई है, तो ये बर्थ टाइम में भी वो आपके साथ है, जो आपकी सोल की जर्नी में शामिल है। और जैसे कि हम बहुत सारे रिलीजन में दूसरा लाइफ नहीं मानते हैं, तो दैट इज ऑल्सो दैट ही द पर्सन इज कमिंग समवेयर फ्रॉम योर हिस्ट्री, ओके, आपकी कहीं कहीं किसी ऐसी जगह से वो आ रहे हैं जहां से वो जो सोल की जर्नी आपकी और उनकी एक हो चुकी है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि लाइक पास्ट लाइफ में हमारा था तभी वो हो सकता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें ये लाइफ में कुछ ऐसी सोल्स मिलती हैं जिनकी जर्नी और आपकी जर्नी एक दूसरे को कॉन्ट्रीब्यूट करने लगती है और आपकी जर्नी को आगे बढ़ाती है ये लाइफ की, और दैट टू स्मूथली, उसमें कोई जर्क्स नहीं होते, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो सोलमेट जो होते हैं वो आपकी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ और स्मूथनेस के साथ, ठीक है। लेकिन जो केवल सोलमेट होता है वो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम लेके आए, लेकिन जो मोस्ट कंपैटिबल सोलमेट होता है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं लाता, उसके आने से आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट होता है, ओके। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सोलमेट, एक होता है जस्ट सोलमेट, एक होता है मोस्ट कंपैटिबल सोलमेट। तो हम लोगों की शादियां सोलमेट से ही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी सोल जर्नी का पार्ट है, इसीलिए हमसे जुड़े हैं। लेकिन उनको हम मोस्ट कंपैटिबल सोलमेट में बदल सकते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे कि उनकी हीलिंग कैसे करनी है या क्या ऐसा करना है जिससे हमारी कंपैटिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। दूसरा सोलमेट ये होता है कोई आपका फ्रेंड, आपके घर में जो पैट होता है वो, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप अब तभी नोटिस कीजिए कि आपके घर में, आपके कजिन्स में, आपके सिस्टर ब्रदर में या आपके पेरेंट्स में कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको बहुत स्मूथली आगे ले जाता होगा लाइफ में, ओके, जिनसे आप बात करते होंगे तो उनको आपको ऐसा लगता होगा कि अरे हाँ, मतलब यही तो है मेरी लाइफ में जो मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सोलमेट हमेशा रोमांटिकली ही आप उसको कंसीडर करें, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे होता है ना कि किसी के लाइफ में आने से आपकी आत्मा को शांति मिल जाती है, जैसे घर में जब से मेरे ये पैट आया तब से मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया घर के अंदर, तो वो भी आपका सोलमेट हो सकता है, ओके। सोलमेट आपकी लाइफ में ना बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी चीजें ओपन करते हैं, ओके। सो बहुत सारे लोग सोलमेट को ट्विन फ्लेम से बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट में डिफरेंस ये होता है कि जो ट्विन फ्लेम होती है वो और आप एग्जैक्टली आप दोनों सेम होते हो, लेकिन आप साथ नहीं रह सकते। उसका रीजन ये है, अगर आप अपनी सोलमेट से मिल रहे हो, ठीक है, और अगर आप अपने सोलमेट के साथ हो तो बहुत सारी चीजें आपकी मिलेंगी, बहुत सारी नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं एग्जैक्टली सेम होती हैं, एग्जैक्टली सेम। तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप अपनी ट्विन फ्लेम के रह सकते, लेकिन अगर कहीं 1% भी आप अपने आप को पसंद नहीं करते तो आप ट्विन फ्लेम के साथ नहीं रह सकते। तो अगर आपको टोटल 100% एक्सेप्टेंस है तो ही आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ रहेंगे। ट्विन फ्लेम जब आती है और जब लाइफ से जाती है तो एक बहुत बड़ा जर्क होता है वो आपकी लाइफ में, आप बीमार भी पड़ते हो, परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि वो एक तरह का एक ना मिरर
आपका चेंज कर देते हैं वो लोग, जैसा आप अपने आप को देखते हैं उससे आपको चेंज करके वो जाते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में हिल जाती हैं। और आप उसको रीबिल्ड करते हो, तो आप एक तरह से नए पर्सन बन जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं या ये जो सोलमेट्स हैं, इनके साथ हमेशा इजी जर्नी ही होती है, बिकॉज ये जर्नी ही आपकी सोल की है। तो इसलिए ट्विन फ्लेम्स या जो सोलमेट्स आते हैं तो आपकी सोल की जर्नी चेंज करके जाते हैं, ठीक है। सोलमेट की डेफिनेशन हर कंट्री में, हर रिलीजन में बहुत अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 1998 से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने सोलमेट से मिलने लगे, अवेयरनेस आने लगी है। 1998 के पहले आप देखिए सोलमेट का कोई अवेयरनेस नहीं था धरती पे, ठीक है। तो जो अवेयरनेस है सोलमेट की वो 1998 के बाद आई है, क्योंकि हमारी अर्थ का अलाइनमेंट जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो पुल है वो चेंज हो चुका है। तो बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आप अपनी धरती पे देखेंगे, बहुत सारी नई चीजें आप अपने उस पे देखेंगे, बहुत सारे नए वर्ड्स निकल के आएंगे जो आपने पहले ना सुने हो। तो बेसिकली सोलमेट का काम होता है, अगर आपका सिर्फ सोलमेट है तो उसका काम होता है आपकी जर्नी में आना, शामिल होना, और जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो करके वो चले जाते हैं। जनरली जो हमको सोलमेट्स मिलते हैं, जैसे आपको चलते फिरते घूमते फिरते किसी से आपकी मुलाकात हो गई, बात हो गई, आपको लगा कि मैं इसको पहले से जानता हूं या मैं इसको पहले से जानती हूं, ऐसा मुझे लगता है। माय डॉग इज वेरी सेंसिटिव अबाउट वॉइस। सो जब आपकी सोल जर्नी में कोई शामिल हो जाता है तो, और जब आप इससे मिलते हो और आपको लगता है कि अरे हम तो इसको जानते हैं पहले से, ठीक है, तो क्या होता है कि आप तो, वन सेकेंड ना, तो आपकी जब आप अपने सोलमेट को देखते हो तो आपको ये पता होता है कि इस पर्सन को मैं पहले से कभी से जानती हूँ या मैं इसको अच्छे से पहचानती हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार मिली हूँ। तो दिस इज द वन सिग्नल कि आपका जो सोलमेट है वो आपका एक्चुअली सोलमेट है, और आपको बहुत सारी उसकी आदतें या वो किस तरह से बोलता है या बोलती है या उसके उसके अंदर क्या है वो आपको उसके बोले बिना समझ में आता है। आपने कभी नोटिस किया किसी अनजान इंसान को भी आप देख करके आपको लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ? नोटिस किया कभी आपने किसी के साथ ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ कि भाई हम किसी से मिले और उसको मिलते ही ऐसा लगा कि जैसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं? दो लेडीज सोलमेट हो सकती हैं, दो मेल सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं कि वो उनकी दोस्ती बहुत सालों तक एज इट इज चल सकती है। उनको पता है कि सामने वाला क्या सोचेगा और क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो लाइफ वो पहले कभी जी चुके हैं, या उनका जो वेवलेंथ है दोनों की जो जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल मिलती है। सो ये बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं, आपका पेट्स, आपके लाइफ में अननोन लोग भी आपके सोलमेट्स होते हैं, जो कभी ना कभी किसी ना तरीके से आपके पास आते हैं, आके चले जाते हैं, और आप